Person A started a business by investing rupees 65,000. After a few months, B joined him and investing rupees 50,000. 3 months after the joining of B, C joined too with an investment of 55,000. At the end of the year, A got 50% of the profit as his share. For how many months did A alone finance the business? Okay. तो ए है, बी है, सी है, कितना कितना के लिए सब डायरेक्ट यहाँ से जीरो कर दे रहे हैं, 3-0 कैंसिल, बी का 3-0 कैंसिल, सी का कहाँ गया, 3-0 कैंसिल, ओके। तो ए ने इन्वेस्ट किया 65, बी ने इन्वेस्ट किया 50, सी ने इन्वेस्ट किया 55, ए ने तो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा, ओके। ए का तो डायरेक्ट बोला है ए इन्वेस्ट अ बिजनेस इन्वेस्टिंग रूपीज इन, ओके। उसके बाद बी ने क्या किया, बी ने कितना में किया पता नहीं है, तो मान लेते एक्स के लिए किया बी ने। लेकिन सी ने क्या किया, बी से 3 महीना बाद में किया, यानी कि एक्स माइनस 3, ओके। यहाँ से कीजिए 765 × 12 करेंगे तो 780 आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 50x और यहाँ पे 55x माइनस 55 × 3 165, ओके। ये इस टू में ये इसका आ गया। अब देखिए टोटल क्या है, ए का ए को क्या है 50% मिलता है, ए को क्या है 50% मिलता है 780 ए का है, और अदर फर्दर दोनों का, दोनों को ऐड करेंगे 50 + 55 हो जाएगा मेरे 105 माइनस 165, ओके। तो ए को कितना मिलता है, ए को मिलता है 50% क्वेश्चन में गिवन है, और जो बात बचे का 50% वो मिलेगा बी और सी को, ओके। तो यहाँ से कैंसिल कीजिए 1/1 आ जाएगा, ओके। अब करना है मुझे 105, तो इधर ही होगा 105x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 780 और ये इधर जाएगा तो प्लस का 165, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 105 इक्वल्स टू 780 प्लस 165 करेंगे तो 945, तो 1 जा ये कितना टाइम्स में जाएगा 9 टाइम्स में जाएगा, तो x का वैल्यू मेरा क्या आ गया 9। तो b ने इन्वेस्ट किया था 9 मंथ के लिए और c ने इन्वेस्ट किया होगा 9 - 3 6 मंथ के लिए, ओके। तो a ने अकेला कब कितना टाइम के लिए तक किया बोल रहे हैं, तो टोटल 12 महीना, 12 में 9 गया 3, सो 3 मंथ्स के लिए ये ने अकेला इन्वेस्ट किया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी